और एक चीज़ यहाँ पर जो है ही है कि यहाँ किताब हर जगह जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कुरान के अंदर, तो वहाँ आता है कि ईमान लाने की जब बात आती है तो वहाँ पर कहा जाता है कि किताबों पर ईमान, यहाँ किताबों नहीं कहा गया, यहाँ कहा कि किताब पर ईमान इस आयत के अंदर कतालु के। दूसरी जगह जहाँ पर आया तो किताबों पर ईमान, यानी पिछली भी सात में थी, लेकिन यहाँ सिर्फ जमा में नहीं लिया अल्लाह ने, सिर्फ कहा कि किताब पर ईमान, सिर्फ किताब कहा गया। तो यहाँ ये थोड़ी बात अलग है कि ये सिर्फ कुरान की बात की जा रही है और ये सिर्फ मोमिनों से खिताब किया जा रहा है, ये सबसे खिताब भी नहीं कि किताबों पर, ये हम मोमिनों के लिए खास, तो उनके लिए कहा कि ये कुरान की बात हो रही कि कुरान की बात हो इसकी हो रही, तो इसलिए खाली एक सिंगुलर किताब के बारे में कहा गया। अब यहाँ एक वजाहत और मैं कर दूँ, कल भी मेरे से किसी ने सवाल किया था, हालांकि किसी को नामजद लेना, किसी के नाम लेकर कोई बात कहना तो मिजाज में नहीं है कि मैं किसी के नाम लेकर कोई बात कहता हूँ, लेकिन चूँकि कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से लोग फितनों में पड़ने का डर होता है, तो उसको नामजद भी लिया जाना चाहिए, लेके बताना चाहिए। तो इसके अंदर एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद शेख, आप जानते होंगे बहुत से जो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो जानते होंगे कि एक मोहम्मद शेख करके हैं, लोग उसको कहते हैं कि अहले कुरान है, हालांकि वो कोई अहले कुरान भी नहीं है, वो एक अलग ही फितना है। और या तो ये है कि वो किसी जो है साजिश के तहत भेजा गया है उसको, तो उसका ये कहना है, वो ये कहता है उसकी, हालांकि बहुत सारी बातें हैं उसकी, लेकिन अभी जो हम किताब की बात कर रहे हैं तो किताब के ताल्लुक से वो उसका ये कहना है कि वो कहता है कि शुरू से नूह अलैहिस्सलाम से जो किताब चल रही है और ये कुरानी एक ही किताब थी, वो इंजील तौरात वगैरह सब यही, ये कुरानी था और कोई किताब नहीं थी, सब यही सारी चीज़ें यही है। और वो इसको कहता है कि नहीं, तोरा को, तोरा मतलब होता है कानून, तोरात मतलब कानून होता है, इंजील मतलब होता है खुशखबरी। तो बोले कि ये वही है, आप इसको अलग समझ रहे कि तोरात अलग है और इंजील अलग है, मतलब खुशखबरी कानून कौन सी है इस किताब के अंदर है, खुशखबरी कहाँ है इस किताब के अंदर, तो इसी की बात की जा रही है, कोई किताब ही नहीं थी शुरू से, यही किताब एक ही किताब, तो उस किताब को भी ख़त्म करने की वो उसमें। लेकिन ये है कि कुरान के अंदर ये वर्ड अलग से आए, अल्लाह ने तोरात का भी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कई जगह पर, इंजील का भी इस्तेमाल किया गया कई जगह पर कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो अब ये अरबी नाम नहीं, तोरात अरबी नाम नहीं है, इंजील भी अरबी नाम नहीं, तो अब वो कहता है कि नहीं देखो तो कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ तो ये अरबी है, हालांकि क्योंकि होता ऐसा है कि जहाँ पर अल्लाह ने कुरान पूरा अरबी में है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जगह की और किसी की नाम की बात आएगी तो उसको ट्रांसलेट थोड़ी किया जाएगा, उसके नाम से ही पहचाना जाएगा उसको, थोड़ी कि उसको नाम को बदल देंगे और अरबी के अंदर माना लेके आ जाएंगे तो फिर समझेंगे कैसे। तो अल्लाह ने वहीं से जो लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते थे जिस जगह का नाम जो था उसी नाम को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वो अरबी का नहीं, अरबी में नहीं आता। तो तौरात इस्तेमाल किया गया तो जहाँ पर ये लफ्ज़ था इब्रानी ज़बान में तो वहाँ से अल्लाह ने इसको ऐसा कैसे बता दिया कि तौरात, वो लोग तौरात कहते थे इसको, इसलिए तौरात। जहाँ पर वो था इब्रानी उसके अंदर इंजील का तो वो उसके अंदर आ गया तो वो ले गया। तो है ये कि उसी ज़ुबान में रखा उसको, इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, ये तो अंग्रेज कर देते हैं हमारे यहाँ, वो ट्रांसलेशन करने जाते हैं ना तो वो आदमी के नाम का भी ट्रांसलेशन कर देते, जैसे हमारे साइंटिस्टों के सारे नाम उन्होंने नाम भी ट्रांसलेशन कर दिया, उन्होंने किताबों के नाम भी उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया, तो ट्रांसलेशन नहीं, तो अल्लाह ने भी नहीं किया। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम समझे कि एक का नाम अब्दुल्ला है, अब अब्दुल्ला के बारे में कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला, कि अब्दुल्ला ने फला काम किया, अब्दुल्ला क्या अरबी है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि उर्दू के अंदर, क्योंकि तो उर्दू जानता है हिंदी जानता है, तो मैं हिंदी में कोई अब्दुल्ला के बारे में कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम का ट्रांसलेशन भी कर दूँ साथ में, क्यों अल्लाह, अब्दुल्ला मतलब क्या होता है, अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह का बंदा ने ऐसा किया, तो वो पूछेगा नहीं कौन, लेकिन अब मैं कहता था कि अब्दुल्ला ने ऐसा किया तो कहते अच्छा उस अब्दुल्ला की बात हो रही है, लेकिन ना मैं नाम का भी ट्रांसलेशन कर दूँगा तो समझेगी नहीं कौन से अल्लाह के बंदे की बात करो, सारी अल्लाह के बंदे पूरे दुनिया में। तो नाम को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, जगह के नाम को भी ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, तो कुरान ने भी वही किया है। तो ये हमको समझने की, किसी का नाम सलीम है मिसाल के तौर पर, सलीम है, सलीम का मतलब होता है सलामती देने वाला। अब कोई सलीम ने कोई बुरा काम किया, सलीम ने उसको थप्पड़ मार दिया, तब हम नाम को भी ट्रांसलेट कर रहे बता रहे उर्दू के अंदर, नहीं वो तो सलीम तो अरबी में, तो इसको कर दो, सलामती देने वाले ने थप्पड़ मार दिया, अब कैसा लगेगा, ट्रांसलेशन कर देंगे, तो ट्रांसलेशन नहीं करते। तो ये जो सारे अरबी नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसको अंदर लेकर आया है। तो इसी तरह वो जो शख्स ये चीज़ों को ये बताकर उन किताबों की अहमियत को भी ख़त्म करना चाहता है,
तो हमारे ईमान के अंदर से किताबों पर ईमान, तो ईमान के अंदर बिगाड़ वाली बात है, इसलिए मैंने आपको ये बात में उसके ताल्लुक से रखी। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इनकार है, वो करता है, इसी तरह मेहंदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल और कई चीज़ों का इनकार है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल शख्सियत ख़त्म करने के लिए, वो अल्लाह के रसूल सल्लम की शख्सियत इसलिए बाकी रख रहा है कि देखो अल्लाह के पास में और कोई जराइए न था वही भेजने का, कि इंसान पर भेजी जाएगी तो सिर्फ वो जराइए मीडियम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उनकी शख्सियत को ख़त्म करने के लिए वो फितना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उठाया गया है। तो ये ज़रूरी था ताकि ये बात आएगी, तो मैंने उसके ताल्लुक से थोड़ी और बात भी रखी। हालांकि कुरान में अल्लाह ने इसकी दलील दी, कुरान के अंदर ही दलील मौजूद है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285 में अल्लाह ने फरमाया कि आमना रसूल बिमा उंजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनूना कुल आमना बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। कुतुबी यानी कि जमा, किताबों पर ईमान की बात हो रही, और कहा गया कि रसूल भी ईमान लाए जो उन पर नाजिल किया गया, और ईमान वाले भी ईमान लाए, मोमिन भी ईमान लाए। किस पर ईमान लाए? कि अल्लाह पर, फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर, कुतुबी जमा है। तो फिर एक ही थी, तो फिर ये अल्लाह ने यहाँ ये क्यों कहा? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आपस में टकराव करती है।